सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं पायरेट ऑफ द कैरिबियन 6 मूवी प्लस उसी के साथ ही जॉइंट अप सर के इस मूवी में रिटर्न के बारे में, बिकॉज भाई रिसेंटली इन सब के ऊपर काफी सारे रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी एंड कुछ रूमर्स भी सामने निकल कर आए थे। तो भाई जो भी अपडेट मेरे को मिले सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई जब से जॉइंट अप सर ने अपना केस जीता है उसके बाद से भाई अपडेट्स ऐसी आ रही थी कि उनके पास काफी सारे मूवीज के ऑफर्स आना स्टार्ट हो गए थे एंड उन्हीं में से एक ऑफर था डिज्नी की तरफ से, जहां पे ये बताया जा रहा था कि भाई डिज्नी ने जॉइंट अप सर को इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करें तो भाई 2000 करोड़ एंड यूएस करेंसी के हिसाब से बात करें तो भाई 300 मिलियन डॉलर ऑफर करे हैं पायरेट ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइजी में रिटर्न करने के लिए विद अपॉलजी लेटर। एंड बताया जा रहा था कि भाई डिज्नी फिर से कोशिश कर रहा है अपने रिश्ते को भाई वैसे ही बनाने की जॉइंट अप सर के साथ जैसे पहले थे, एंड डिज्नी ये होप कर रहा है कि भाई जॉइंट अप सर उन लोग को माफ कर देंगे। अब देखो भाई ये सारी चीजें काफी सारे रिपोर्ट्स ने पब्लिश करी थी, दैट्स व्हाई उस टाइम तक पॉसिबिलिटी ये नजर आ रही थी कि भाई हम लोग को जॉइंट अप सर का जो रिटर्न है वो भाई पायरेट ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइजी में देखने को मिल सकता है। एंड जो फैंस लोग थे वो भाई इन सारी चीजों से काफी ज्यादा खुश थे, बिकॉज जो फैंस लोग हैं अगर आप लोग नोटिस करोगे तो भाई बहुत टाइम से ही अपना पिटीशन डाल के रखे हुए हैं कि भाई अगर पायरेट ऑफ द कैरिबियन मूवी आती है तो उसमें हम लोग को जैक स्पैरो का कैरेक्टर जॉइंट अप सर ही प्ले करते हुए देखने को मिलने चाहिए, अदरवाइज भाई मैक्सिमम ऑडियंस उस मूवी को देखेगी ही नहीं। एंड यही रीजन था कि भाई अभी आप लोग को काफी ज्यादा कोशिश देखने को मिल रही होगी कि भाई जो स्टूडियो है वो चाहता है कि भाई जॉइंट अप सर उसको ज्वाइन कर लें, लेकिन रिसेंटली भाई इन सारी चीजों के ऊपर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज जो जॉइंट अप सर के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने रिसेंटली एक मीडिया हाउस को अपने इंटरव्यू में ऐसा बोला कि भाई ये सारी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि जॉइंट अप सर को 300 मिलियन डॉलर ऑफर हुए हैं, इन सब के बावजूद भी आप लोग को जॉइंट अप सर का जो रिटर्न है वो पायरेट ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइजी में देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज जो डिसीजन था वो बहुत पहले ही ले लिया गया था जब भाई स्टूडियो ने 2018 में जॉइंट अप सर को इस फ्रेंचाइजी से निकाला था। एंड अभी तक भाई जॉइंट अप सर ने स्टूडियो को माफ नहीं करा है। सो भाई आगे चीजें किस तरीके से चेंज होंगी ये सब तो भाई अभी करंटली नहीं पता है, बिकॉज भाई अगर जॉइंट अप सर के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है दैट मींस कि भाई ये जो स्टेटमेंट है वो खुद जॉइंट अप सर की ही है। एंड अगर भाई जॉइंट अप सर ने अपना मूड बना लिया कि अब उनको भाई चाहे कितना भी बड़ा ऑफर आ जाए वो इस फ्रेंचाइजी में रिटर्न नहीं करेंगे, देन भाई काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि आप लोग को पायरेट ऑफ द कैरिबियन 6 में जैक स्पैरो का कैरेक्टर वो प्ले करते हुए देखने को मिले। हालांकि भाई पास में रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि आप लोग को शायद ड्वेन जॉनसन पायरेट ऑफ द कैरिबियन 6 फ्रेंचाइजी को ज्वाइन करते हुए देखने को मिल सकते हैं, एंड उसी के साथ ही भाई मार्गोट रॉबी के भी प्रोजेक्ट की बात हो रही थी। सो अगर भाई इन फ्यूचर जॉइंट अप सर को फैंस लोग प्लस भाई स्टूडियो कन्विंस नहीं कर पाता देन आप लोग को भाई ड्वेन जॉनसन एंड मार्गोट रॉबी के ही प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। एंड जहां तक भाई मेरे को अपडेट मिली उसके अकॉर्डिंग आप लोग को ड्वेन जॉनसन का एक अलग कैरेक्टर देखने को मिलेगा, वो आप लोग को ऐसा जैक स्पैरो तो देखने को नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज भाई अगर ऐसा हो गया देन भाई फैंस लोग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई मेकर्स उस मूवी को पार्ट ऑफ द कैरिबियन 6 करके प्रेजेंट करते हैं या फिर भाई एक नई आप लोग को स्पिन ऑफ देखने को मिलेगी। उसके ऊपर जैसे भाई मेरे को आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। करंटली भाई ये बताया जा रहा है कि इन सबके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग का वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है एंड आप लोग को भाई जो ये मूवी है ये 2024 से 2025 के बीच में देखने को मिल सकती है। आप लोग बताओ भाई हमें से कितने लोग चाहते हो कि पार्ट ऑफ द कैरिबियन 6 मूवी में जॉइंट अप सर का रिटर्न होना चाहिए, अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। एंड आप लोग के भाई क्या थॉट्स हैं ड्वेन जॉनसन एंड मार्गोट रॉबी के प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको भी अगर आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हो। अभी कंटिन्यू भाई इस वीडियो में बस इतना, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।